वेलकम यू टू अन अकेडमी लाइव 7 बाय एमपी सिंह। हमने आपको बताया कि हार्मोन, जिस तरह से हार्मोन पूरे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है, आपके कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, आपकी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करता है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हैं सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करने के बाद इसका भी असर हार्मोन पर होता है। आज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब वो समय आ गया है कि राजा का लड़का राजा नहीं होगा, जिसके पास टैलेंट होगा वही राजा बनेगा। क्योंकि लेमार्क बाद में काट दिया गया है कि कारपेंटर का लड़का कारपेंटर नहीं हो पा रहा है, पहलवान का लड़का पहलवान नहीं हो पा रहा है। जिसने प्रैक्टिस किया वही अगली जनरेशन में किंग बनेगा। बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि टैलेंट और हमेशा सिक्वेंशियल स्टडी करिए, कंटिन्यूअस स्टडी करिए, टॉपिक वाइज स्टडी करिए। क्योंकि 9th और 10th 11th 12th इनमें या तो आपने मेहनत नहीं किया, या तो जानकारी देने वाला टीचर नहीं मिला आपको, जिसके कारण आज बीएससी में, एमएससी में और कंपटीशंस में आप असफल हो जाते हैं। और इस कमी को आपको दूर करना होगा। मैंने बार बार कहा कि इस प्रकार की एकेडमी को आप चूज करें जो आपको A to Z आपको दे, और हम प्रयास कर रहे हैं A to Z देने का। हमारा ये भी प्रयास है कि हम आप प्री फाउंडेशन भी स्टार्ट करें, फाउंडेशन कर ही रहे हैं, आगे बीएससी एमएससी स्टार्ट करें। क्योंकि जब तक प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन नहीं होगा आप सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी नहीं। आवश्यक है कि आपको मैक्सिमम जानकारी लेनी है, मैक्सिमम फंडामेंटल की जानकारी लेनी है। और जब तक आप मैक्सिमम फंडामेंटल की जानकारी नहीं कर पाएंगे तब तक क्या स्थिति होगी आप जान ही रहे हैं। हमारे चैनल पर जितने स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन अराइज करें, और क्वेश्चन अराइज करके वो अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, अपने टैलेंट को इंक्रीज करें। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि आपका फादर डॉक्टर है तो आप ही डॉक्टर बन जाएं। उनमें एबिलिटी थी, उनमें परिश्रम था, वो बन गए। दो बातें होती हैं, इंटेलिजेंस होता है और डेलिजेंस होता है। और जब इंटेलिजेंस और डेलिजेंस दोनों एक दूसरे में आ जाते हैं तभी जाकर के सक्सेस मिलता है। और यह युग जो है, यह दौर जो है, एक कंपटीशन का दौर चल रहा है जिसमें कि आपको परिश्रम भी करना होगा और आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए। तो टुडे आई विल डिस्कस ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर Part 3, दैट इज जिब्रेलिन हार्मोन, दैट इज सेकेंड फाइटो हार्मोन जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन द सब्सटेंस विच प्रमोट्स द शूट इलांगेशन फॉर सर्टन म्यूटेंट ऑफ GMH, दैट इज कॉल्ड एड जिब्रेलिन। वो सब्सटेंस जो GMH में शूट इलांगेशन को इंड्यूस करता है उसे आप कहते हैं जिब्रेलिन। अब आते हैं इसकी डिस्कवरी पर। इस समय डिस्कवरी वगैरह भी पूछी जाती है। तो कुरुसोवा 1926 ही ऑब्जर्व
in rice field. That few plants are taller, seedless and pale in color. कुछ पौधे जो हैं लंबे थे, सीडलेस थे और पीले रंग के थे. ही गेव द नेम ऑफ दिस डिजीज इज फुलिश डिजीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैगनी डिजीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैगनी दिस डिजीज इज कॉल्ड फुलिश डिजीज आर बैगनी डिजीज एंड ही ऑब्जर्व दैट This disease was caused by Gibberella fusicorae. This disease was caused by Gibberella fusicorae. The botanical name Fusarium moniliformi. Fusarium moniliformi. इन्होंने राइस के फील्ड में देखा कि कुछ प्लांट काफी लंबे हो गए. उनमें जो फ्रूट निकल रहा है सीडलेस है और प्लांट बॉडी पेले लो है, उसको इन्होंने फुलिश डिजीज कहा और ये बताया कि यह फुलिश डिजीज जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, जिसका कि बोटेनिकल नेम है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म. अब इन्होंने क्या किया कुरसोवा ने, इन 1926 प्रूव दैट If the extract of this fungus is spread over the healthy plant, अगर इस फंगस का एक्सट्रैक्ट एक हेल्दी प्लांट पर स्प्रे कर दिया गया तो the rice plant that get infected and produce symptom of Bacchini disease. इन्होंने 1926 में जब इसका एक्सट्रैक्ट हेल्दी प्लांट पर स्प्रे कर दिया तो देखा कि वह भी प्लांट जो है ये बैकनी डिजीज का सिम्टम देने लगता है. आफ्टर दैट याबुता एंड हयासी इन 1939 आइसोलेटेड द क्रिस्टलाइन ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस विच इज कॉल्ड जिब्रेली. 1939 में याबुता और हयासी ने क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको क्रिस्टलाइजेशन इसका किया और इस सब्सटेंस का नाम इन्होंने जिब्रेलिन रखा. अबाउट 56 जिब्रेलिन वाज आइसोलेटेड यह मैंने स्ट्रक्चर दिया है. दिस स्ट्रक्चर इज साइक्लोहेक्सेन एंड टू ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड दैट इज द फ्यूज्ड रिंग एंड द टोट द स्ट्रक्चर इज नोन एज जिब्रेलिक एसिड. द जिब्रेलिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन हार्मोन दैट इज जिब्रेलिन. दिस रिंग इज कॉल्ड गिबेन रिंग. तो ऑल जिब्रेलिन कंटेन्स गिबेन रिंग मेड अप ऑफ साइक्लोहेक्सेन and 4 lactone ring. GA3 is called gibberellic acid. That is the GA3. ये आपका GA3 है. GA3 is called gibberellic acid. Now, that's all about the discovery and structure. Now, what is the physiological role of gibberellin on plant? फर्स्ट इलांगेशन ऑफ स्टेम. जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा इलांगेशन ऑफ प्लांट दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव सेल डिवीजन एंड इलांगेशन इंड्यूस्ड बाय जिब्रेलिक एसिड. अगर कोई ड्वार्फ प्लांट है और उस पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाए, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाए, दैट इंड्यूसेस द सेल डिवीजन एंड एक्स्ट्रा ग्रोथ एक्स्ट्रा इलांगेशन ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस. सेकंड, रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म. जैसे कोई ड्वार्फ प्लांट है,
अगर इस पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव स्प्रेइंग कर दिया जाए तो वह पौधा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप में वो इलांगेट हो जाता है। सप्लाई ऑफ जीए टू द ड्वार्फ प्लांट कॉजेज द रैपिड इलांगेशन ग्रोथ विच चेंज द लेवल ऑफ एंडोजिनस जिब्रेलिन, क्योंकि इसमें जिब्रेलिन का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसमें जिब्रेलिन का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है। जब एक्सोजिनसली बाहर से आप जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो सिक्रेशन ऑफ एंडोजिनस जिब्रेलिन इंड्यूसेस एंड दैट फॉर्म्स ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ सेल डिवीजन एंड रिजल्ट द इलांगेशन ऑफ शूट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द कोल्ड ट्रीटमेंट, मेनी बाइनियल प्रोड्यूसेस फ्लावर इन द सेकेंड ईयर। एक चीज आप जानते हैं, जैसे आम का पेड़ है, ये सेकेंड ईयर में, इस वर्ष जो फ्लॉरिंग हो गई, सेकेंड ईयर में उसकी फ्लॉरिंग नहीं हो पाती, अवॉइड हो जाती है। अगर इस पर हम जिब्रेलिन का सिक्रेशन कर दे, स्प्रेइंग कर दे, तो जिब्रेलिन के स्प्रेइंग में कंटिन्यूअस फ्लॉरिंग टेक्स प्लेस। लिखा है मेनी बाइनियल प्रोड्यूसेस फ्लावर इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ आफ्टर पासिंग थ्रू ए विंटर सीजन। सच प्लांट कैन सब्स्टिट्यूट द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट एंड मेड टू फ्लावर इन वन ईयर बाय ट्रीटमेंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड। अगर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव आप करें तो वह प्लांट जो है ये ईयर टू ईयर हमेशा वो फ्लॉरिंग देगा। नाउ नेक्स्ट, सेल डिवीजन इन कैंबियम। कैंबियल एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस जाइलम एंड फ्लोएम। इफ यू स्प्रे द जिब्रेलिन दैट इंड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ कैंबियम एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट पॉलिनेशन। इफ जिब्रेलिक एसिड इज स्प्रेड पार्थेनोकार्पी टेक्स प्लेस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट अकर्स। नाउ सीड जर्मिनेशन, सम ऑफ द लाइट सेंसिटिव सीड कैन जर्मिनेट विद द ट्रीटमेंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड इन कंप्लीट डार्कनेस। जैसे मान लीजिए कोई किसी सीड को लाइट की आवश्यकता है उसके जर्मिनेशन के लिए, डार्क में नहीं कर रहा है, अगर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव आप कर दें तो जिब्रेलिक एसिड के छिड़काव के बाद वह सीड जो है डार्क में भी जर्मिनेट कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज डॉर्मेंसी। द सीड्स विच आर इन डॉर्मेंट कंडीशन दैट नॉट जर्मिनेट्स फॉर सम टाइम्स दैट पीरियड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। जैसे पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर को आप डक करें और डक करने के बाद आप उसे एडवांस उसकी सोइंग कर दीजिए और उसकी सोइंग करने के बाद आप देखेंगे पोटैटो ट्यूबर डज नॉट जर्मिनेट। इफ यू स्प्रे द जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी, उसको हिंदी में सुप्त अवस्था कहते हैं, इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी एंड द पोटैटो ट्यूबर सून जर्मिनेट, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी वो पीरियड है जिसमें भी कोई सीड ये जर्मिनेट नहीं करता, और डॉर्मेंसी का एक पीरियड होता है 3 महीने 4 महीने, इसके बाद उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। इफ यू स्प्रे जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन ऑन दैट सीड इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी पीरियड एंड द सीड सून जर्मिनेट।
नाउ नेक्स्ट फ्लावरिंग। प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब हुआ कि उसको बहुत अधिक लाइट की आवश्यकता होती है, और शॉर्ट डे प्लांट होता है जिसको लाइट की आवश्यकता कम होती है। जिब्रेलिन कैन सब्स्टिट्यूट द लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट, जिब्रेलिन ओवरकम द नीड ऑफ इंडक्टिव कोल्ड पीरियड ऑफ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड वर्मिलाइजेशन। जैसे आप सीड को कुछ समय तक डार्क में रखते हैं फॉर 24 आवर्स, 48 आवर्स, और कुछ समय तक उसको लाइट में रखते हैं, और जब उसकी शोइंग करते हैं तो शोइंग करने के बाद उसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी आ जाती है। यह प्रोसेस वर्मिलाइजेशन कहलाता है। हिंदी में इसको बसंतीकरण कहते हैं। लेकिन अगर उस सीड पर आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दें तो वर्मिलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, और सीड जो है जर्मिनेट करेगा और उसे तुरंत फ्लावरिंग जो है इन शॉर्ट टाइम देगा, क्योंकि वो लॉन्ग डे प्लांट तो है, माने इट रिक्वायर्स लॉन्ग डे फोटो एक्ट। बट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड दैट बिकम्स शॉर्ट डे प्लांट, उसको थोड़ी सी भी लाइट मिलेगी तो फ्लावरिंग दे देगा। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ऑन जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन टूवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स। द जिब्रेलिन हैव इफेक्ट ऑन जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स टू सर्टन प्लांट। मेनी स्पीसीज आर फाउंड टू ऑब्टेन ए मोर नॉर्मल अपराइट पोजिशन व्हेन ट्रीटेड विद जिब्रेलिन। अगर आप जिब्रेलिन का स्प्रेइंग करा दें तो बहुत से पौधे जो हैं ये हमेशा अपराइट पोजिशन में रहेंगे। नाउ लास्ट डी नोवो सिस्टम ऑफ एंजाइम। डी नोवो मीन्स न्यू। ऑन द स्प्रेइंग ऑन द इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड दैट इंड्यूसेस डी नोवो दैट इज न्यू सिंथेसिस ऑफ एंजाइम दैट इज अल्फा एमाइलेज इन द एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग बार्ली सीड। जब आप बार्ली सीड में जिब्रेलिक एसिड का की स्प्रेइंग करा देते हैं तो अल्फा एमाइलेज ए न्यू एंजाइम ए सिंथेसाइज हो जाता है, तो दैट इंड्यूसेस द न्यू सिंथेसिस ऑफ एंजाइम दैट इज अल्फा एंजाइम। इस प्रकार से आज मैंने जिब्रेलिन एसिड के बारे में, जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में, जिब्रेलिक एसिड के बारे में, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जिब्रेलिन मैंने डिस्कस किया। उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, उसकी डिस्कवरी मैंने आपको बताई, और उसका क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, जिसमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे फूलिश डिजीज और बेकनी डिजीज। इस प्रकार से मैंने फिर कहा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था, क्योंकि क्लियर है राजा का लड़का कभी भी राजा नहीं होता, उसको राजा बनने के लिए उसमें कुछ क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और वह क्वालिटी आप में है, और उस क्वालिटी को आप, उस पर जो राख पड़ी हुई है उस राख को हटाइए, और जब उस राख को आप हटा देंगे तो निश्चित है कि आपका टैलेंट निखरेगा। आप देख रहे हैं कि जिन्होंने परिश्रम किया वो डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस बने, और जिन्होंने नहीं किया वो कुछ नहीं बने। इसलिए फिर मैं आपसे कहता हूँ, अपने टैलेंट को निखारिए। प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन, नेक्स्ट क्लासेस में आप अपने को स्टूडेंट की तरफ ट्रीट करिए। इन्हीं के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वॉच करने के बाद वॉच वही करेगा हमारे वीडियो को जिसको कि आगे बढ़ना है, वही वॉच करेगा। सामान्य स्टूडेंट हमारा वीडियो वॉच नहीं करता। दैट्स ऑल, थैंक यू।